हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज है फ्राइडे और अभी जो है वो बजे हैं सुबह के 10। और आज जो है गाइस वो हम जा रहे हैं दिल्ली। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो शूट किया जाए जिसमें आपको दिल्ली की लोकेशन जो है वो दिखाई जाए। तो दिल्ली हम क्यों जा रहे हैं ये तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता ही दूंगा। तो अभी हमें जो है वो थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा अंदर रोड पर जाना है और वहाँ से कुछ परचेस करना है। और तो शाम में हमें लगभग 9 बजे रुद्रपुर से हमारी जो है वो बस है, तो रात में हमें थोड़ा पहले निकलना होगा वहाँ और बस पकड़नी है। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में। और बेसिकली हम दिल्ली में नहीं हैं, हम हैं गुड़गांव में, क्योंकि जो हमें काम था वो था गुड़गांव में और हमारे रिलेटिव भी यहाँ गुड़गांव में ही रहते हैं, तो हम उन्हीं के ही रूम पे रुके हुए हैं। तो अभी हम निकलते हैं अपने काम से। हेलो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के बारे में। मैं अभी वहीं पर हूं और आप देख सकते हैं पीछे है यहां पर ये स्पोर्ट का कॉलेज है, पूरा यहां पर क्रिकेट सिखाया जाता है। तो यहां मैं इसलिए हूं, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहां क्यों आया हूं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं लेके आया हूं इस बंदे को, ये मेरा भतीजा है, इसका मुझे इसमें एडमिशन कराना है। तो इसीलिए हम यहां गुड़गांव आए हुए हैं, यहां पर इसका एडमिशन कराने आए हुए हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है अंदर का प्रोसेस। और ये हैं हमारे भाई, बड़े भाई हैं ये, तो अभी हम अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या प्रोसेस पूरे रहते हैं। और वैसे ऑलरेडी हमने 2 अकेडमियों में बात की थी, वहाँ पर कुछ ट्रायल का मसला था। पहले ट्रायल रहते हैं उनके, कैंप लगते हैं, कैंप के अकॉर्डिंग ही वो लेते हैं, पहले ट्रायल लेते हैं उसके बाद ही मतलब दाखिले रहते हैं उनके अंदर। अभी हम इसके बारे में हमने सुना था, ये सहवाग जो नानते हैं वीरेंद्र सहवाग, उनकी अकेडमी है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, अंदर चलते हैं, चलते हैं अभी। तो गाइस फाइनली हमने जो है वो एंट्री ले ली है और ये कुछ दिया है हमें यहाँ पर, ये हमें दिया है, हम तीनों के गले में डाला है ये, पर इसके बाद ही अंदर एंट्री हुई है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुझे एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है और देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी तो फिलहाल इतना ही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और भी चीज़ें। और ये मेरे बड़े बड़े वाले भाई, इनका भतीजा है वो, सगा मेरे ताऊ का लड़के का लड़का है। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं अंदर और बात करते हैं उनसे क्या यहाँ की फी है, क्या यहाँ का प्रोसेस है पूरा। हे गाइस, तो फाइनली हम एकेडमी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, जो बड़े बड़े महान खिलाड़ी हमारे इंडिया के लिए खेलते हैं उन सबके फोटो हैं यहाँ पर। काफ़ी अच्छी मुझे एकेडमी लग रही है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या यहाँ का सीन है। ये देखिए यहाँ पर सब सचिन और धोनी, वीरेंद्र सहवाग की तो ये एकेडमी ही है, बाकी आप खुद ही देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको, अब मुझे लगता है काफ़ी अच्छी है ये, बाकी तो अब देखते हैं इसको। ये शिखर धवन, और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ बैक कैमरे से आप ये भी देख लीजिए, वहाँ पर और भी अच्छा अच्छा, यहाँ पर धोनी का जो वर्ल्ड कप जीता था उसके बारे में भी यहाँ पर फोटो लगा हुआ है। और गाइस ये हैं इन लोगों के कुछ क्वालिफाइड लड़के, जो इंटरनेशनल तो नहीं खेले हैं अब तक, ना ही कोई आईपीएल खेले हैं, बट स्टेट लेवल खेल चुके हैं। हे
ठीक है गाइस, तो फाइनली अभी हम बढ़ रहे हैं उस ग्राउंड की ओर जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। यहाँ पर वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, बट मैं फिर भी कर रहा हूँ। अगर मुझे इन्होंने देख लिया तो हो सकता है कुछ बोल दें, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो वो पीछे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर अपना जो प्रैक्टिस है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़े से नियम थोड़े से अलग बताए जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। और बाकी तो सब चीज़ हमने विज़िट कर ही ली है, और अब हम अपने जो हमारे साथ लड़का आया उसके बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो इस वाली अकेडमी में जो है वो हमने फाइनली बात कर ली है। यहाँ के थोड़े से नियम अलग हैं, और उस लेवल का यहाँ पर क्रिकेट भी आई थिंक उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर केवल इंटर तक ही पढ़ाई होती है, मे बी यहाँ पर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है और क्रिकेट पर कम। लेकिन हमारा जो साथ में लड़का आया है उसको क्रिकेटर बनना है, तो ज़्यादा ऐसी अकेडमी हम फाइंड कर रहे हैं जहाँ पर ज़्यादा जो है ध्यान वो क्रिकेट पर दिया जाए। तो मे बी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान क्रिकेट पर नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर अब तक कोई भी IPL या फिर कोई भी इंटरनेशनल गेम के लिए यहाँ से नहीं निकला है कोई भी। तो यहाँ स्टेट लेवल तक ही लड़के पहुँचे हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया भी है पिछले, जो उन्होंने अखबारों में लगा रखे थे दीवार पर। तो यही है सहवाग इंटरनेशनल स्कूल है। कभी हम चलते हैं कोई दूसरी एकेडमी में, और हमने अभी एक जगह और बात कही है ग्रेटर नोएडा, तो वहाँ पर अभी हम घर जाते हैं, देखते हैं वहाँ का प्रोसेस क्या है और वहाँ पर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो भाई खा लिया था, बाकी इतनी दूरी पर गुड़गांव से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर बनी हुई है, तो भूख लग रही है। तो यहाँ पर एक ढाबा है, मे बी यहाँ पर कुछ मिल जाए। तो ये देख लीजिए, छोटा सा ढाबा है, उतने बड़ा है नहीं, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। भूख तो काफ़ी लग रही है, तो खाना तो है ही कुछ। तो अभी कुछ केले भी टंगे, केले ले लेते हैं या फिर कुछ और लेते हैं। आज है दूसरा दिन, और अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली में, पश्चिम बिहार पड़ता है, वहाँ पर एक एकेडमी है जहाँ से विराट कोहली ने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वहाँ से उसने सीखा था, उसके बाद गया था। तो अभी हम जा रहे हैं वहीं के लिए, और साथ में मेरे जो है और भी लोग हैं, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ वो अकेडमी कैसी है जहाँ से विराट कोहली निकला है। तो अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पर और फिर आगे दिखाते हैं। अभी हम मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर सिकंदरपुर। अभी जो मेट्रो में जो ब्लिंक करती हुई LED, जो छोटी छोटी बल्बियाँ आपको बल्ब जो देखने को मिल रहे थे, वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए बताते हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है। तो अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें आना था, और हम जाते हैं अभी एकेडमी की तरफ। तो गाइस, अभी हमने वो वाली एकेडमी को विज़िट किया जहाँ पर विराट कोहली ने भी तैयारी की थी। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उस एकेडमी में विराट कोहली ने तैयारी की हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी सी एकेडमी थी। पहले आप देख लीजिए, ये वो एकेडमी थी, वहाँ पर मुझे कैमरा वीडियो शूट करने के लिए अलाउड था नहीं वहाँ पर, इसलिए मैंने थोड़ी सी बनाई थी, ये देख लीजिए। तो ये थी वो एकेडमी, और जब हमने उसका पूरा प्रोसीजर जाना पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये एक स्कूल है, यहाँ पर बस 3 बजे के बाद जो कोचेस हैं वो थोड़ी सी कोचिंग देते हैं, और हफ्ते में 2 या 3 दिन चलती है। तो ऐसी मुझे ज़्यादा टेम्परेरी ही लगी, बस नाम का फ़ायदा उठा रहे हैं विराट कोहली इंटरनेशनल, और इतने बड़े लेवल पर पहुँच गए इसीलिए उनका नाम का थोड़ा सा फ़ायदा हर कोई उठाता है ओबियसली। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको, अगर अपने किसी छोटे भाई या आपको खुद
जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो अगर कुछ ऐसा एकेडमी ज्वाइन करवानी है तो उससे पहले, आने से पहले, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में जाने से पहले, सबसे पहले आप एक तगड़ा रेफरेंस जो क्रिकेट के टच में हो और बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानता हो और थोड़ी पहचान भी हो, उसके रेफरेंस से आएँ तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। वरना आप पूरे ऐसे भटकते रहेंगे, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। फिलहाल हमारे टच में एक दो बंदे हैं, अब उनसे हम अच्छे से बहुत सहूलियत से बात करेंगे। हमें यहाँ पर दो काम थे, वही दो काम करने हम आए थे और एक काम उसमें से हमारा निपट चुका है और एक काम यही रह गया था। तो जैसे हमने देखा, हमने आपको दिखाया कि सहवाग वाली हमें उसमें कहते अच्छी लगी, वो थोड़े नियम उनके सही नहीं थे और भी एक जो रीज़न थे जिसकी वजह से हम वो ज्वाइन नहीं करवा सके, और ये भी कुछ ऐसा ही था। एक दो हमने बात की थी दो जगह, तो वहाँ भी यही कहता कह रहे थे कि मतलब पीजी हैं और पीजी में, पीजी के साथ साथ ही रहना पड़ेगा, रूम अपना अलग लेना पड़ेगा और हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन, तो छोटा सा बच्चा है ये, अभी अकेले रुक नहीं पाएगा। तो फिलहाल अभी हम या चंडीगढ़ देखते हैं या फिर हम अपने लोकल में ही कहीं इसको थोड़ा सा तैयार करवाते हैं। और मेन बात, जो बड़ी बड़ी जो फुल टाइम अकेडमियाँ जो होती हैं इसी पे ही मतलब निर्भर हैं, जहाँ से बहुत से लोग निकले भी हैं, तो वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ पर सिलेक्शन चलते हैं, वहाँ पर यानी कि ट्रायल लगा आते हैं, वो समर कैंप या फिर विंटर कैंप रखते हैं, उसमें जो बच्चे उनको अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ही वो सेलेक्ट करते हैं और पहुँचाते हैं उस लेवल तक, उस लेवल का खिलाते हैं। तो वो अभी 2 या 3 महीने बाद होगा, हमने उनसे बात कर ली है, तो वहाँ पर जाके देखते हैं और जब तक इसको लोकल में ही कहीं तैयारी करवाते हैं या फिर कहीं और बात करते हैं। फिलहाल अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है, अपने भाई को कोई करवाना चाह रहा है, तो सबसे पहले रेफरेंस तगड़ा हो और बच्चे को घर पे ही थोड़ा सा इस काबिल बना दो जो अच्छा क्रिकेट वो खेल लेता हो। तो बस अभी तो हम घर की तरफ मूव हो रहे हैं, घर के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, हमारे जो काम थे वो भी निपट चुके हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और तो वीडियो को एक लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अभी हम चलते हैं घर।